उस एरिया का इंचार्ज कौन है? मैं लेडी सिंगम। दोस्तों फाइनली बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन की फिल्म सिंगम अगेन और फाइनली आने वाली जो दिवाली है ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिवाली के खास मौके पर अजय देवगन की फिल्म सिंगम अगेन रिलीज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम करती है। दोस्तों आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बताती चलूं कि रिलीज से पहले ही सिंगम अगेन ने अपने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान हो या सलमान खान या अक्षय कुमार, इसके अलावा जितने बड़े सुपरस्टार हों, सिंगम अगेन ने अभी तक सबको फेल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और फिल्म ने हाइप फिल्म को लेकर जिस तरह से क्रेज हमें देखने को मिल रहा है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। दोस्तों 1 नवंबर को दिवाली के खास मौके पर यह फिल्म तमाम बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन ने अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं की 1,000 करोड़ रुपए की कमाई की हो, लेकिन वो तो आपको क्या लगता है कि यह सिंगम अगेन सच में 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी? लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन की यह फिल्म बड़ी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों हर कोई फिल्म इनकी अजय देवगन के साथ ब्लॉकबस्टर हुई है। दोस्तों इस फिल्म के रोहित शेट्टी बहुत ही शानदार डायरेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, इनका एक्शन तो कमाल का होता है, साथ में जो इनकी इस फिल्म में कॉमेडी होती है वो भी लाजवाब होती है। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े स्टार इस फिल्म में अहम किरदार में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों आपको क्या लगता है, सिंगम अगेन 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों बाकी ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।